Okay. Now let us start our new lesson, that is access to Micromedia Flash Player. Listen here. Shift the bench. Okay, let it be. Keep distance now, but put your marks. Access to Micromedia Flash Player. In this lesson, we will learn to getting started the flash workspace, menu bar, components of tools panel, creating flash document, movie properties, the grid property inspector, saving a flash document, opening a flash document, animation in flash. First of all, do you know what is a Micromedia Flash Player? किसी को पता है फ्लैश प्लेयर क्या है? माइक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर क्या है? किसी को पता है क्या? कम ऑन, जल्दी जल्दी बताओ. हाँ, बोलो. एनिमेशन सॉफ्टवेयर पैकेज. एनिमेशन सॉफ्टवेयर पैकेज. ओके, गुड. एनीवन एल्स? कम ऑन, जल्दी बताओ. नहीं, अच्छा, एनिमेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है. बट वॉट इज एनिमेशन? देखा है एनिमेशन कभी किसी ने? क्या होता है एनिमेशन? वॉट इज एनिमेशन? बोलो. सी, डोंट फियर. आंसर देते वक्त बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है. अगर रॉन्ग हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, यस यस, से लाउडली. रियल में नहीं, काल्पनिक है. ओके, बोलो. दैट ओनली, रियल नहीं, काल्पनिक है. ऐसा और कोई बताएगा? ठीक है, एनिमेशन रियल में नहीं, काल्पनिक है. ठीक है, सो एक्चुअली एनिमेशन क्या है? The moving things that you can see on your screen or your computer, that is your animation. जो moving thing आपके computer के ऊपर जो दिख रही है उसको हम लोग animation कहते हैं. For example, ज़्यादातर animation का example आपको अच्छी तरह से समझ में आता है वो आपके Microsoft PowerPoint के अंदर, जिसमें हम लोग words को अगर select करके उसका animation देते हैं. आपने देखा है क्या कोई picture या कोई सीरियल्स प्रोग्राम स्टार्ट होते वक्त वहाँ पर टाइटल्स आते हैं? द जंगल बुक, है ना? वो नेम कैसे आता है? जैसा ही जंगल नाम है तो ऊपर से आता है, नीचे से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से एंट्री मारता है, यहाँ से निकल जाता है. उसके बाद डायरेक्टर को नेम के नाम से आते हैं, चल जाते हैं. उसके बाद उसके पीछे ग्राफिक्स होते हैं, वो मूव करते हैं अलग अलग, और भी कुछ डिजाइंस होते हैं वो भी मूव करते हैं. ओके, वो चीज़ें आपके एनिमेशन. वो अल्फाबेट कैसे क्या मूव करते हैं? अपने आप मूव करते हैं क्या? हाँ, उसके पीछे एनिमेशन की सेटिंग्स की गई. सो वो उसके पीछे जो एनिमेशन है, उसके अलावा आपके इमेजेस और आपके पिक्चर्स को भी आप लोग एनिमेशन दे सकते हैं. सो लेट अस सी, ये आपका माइक्रोमीडिया फ्लैश कर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. सो इन ईच, sorry, about Flash. Flash is an animation software package. It is capable of doing many things. Way to create animation. The animation containing images, sound, video, and animation effects. It has a friendly environment and created on Flash software. It is a friendly software and can spend hours making what our imagination suggests. फ्लैश जो है वो एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है और उसकी कैपेबिलिटी है जो वो एनिमेशन क्रिएट करने की है. सो उसके अंदर एनिमेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? इमेज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इमेजेस, उसके बाद में साउंड, आवाज़,
इमेज आएगी वो एनिमेशन के अंदर, उसके साथ साथ इसके अंदर साउंड भी आएगा, देन वीडियो, उसी एनिमेशन के अंदर हम लोग वीडियोज भी इंक्लूड कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट्स। उसके अलावा भी कुछ अलग इफेक्ट्स होते हैं जो आपने देखे होंगे इमेजेस, इसके अलावा जैसे वो जो भी आपका टाइप है जो ब्लिंक करता है या फिर मूव करता है स्क्रीन के ऊपर, ओके, वो उसको हम लोग इफेक्ट्स कहते हैं। सो उसके ये सारी चीज़ों के अलावा इफेक्ट्स भी होते हैं। सो जो ये जो फ्लैश प्लेयर है वो बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बनाया गया है, और ये बहुत फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है जो आपको अच्छे से आसानी से समझ में आएगा आपको। सो आप लोग घंटों आपके इमेजिनेशन के हिसाब से इसके ऊपर काम कर सकते हो, आपके इमेजिनेशन के इमेजिनेशन का यूज़ करके नए नए एनिमेशंस बना सकते हैं, प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। टर्न योर पेज। सो आपको ये जो दिख रहा है ये फ्लैश प्लेयर 8 है। नाउ गेटिंग स्टार्टेड, सबसे पहले फ्लैश प्लेयर को कैसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द स्टार्ट बटन, इसके बाद में प्रोग्राम्स, माइक्रोमीडिया फ्लैश प्रोफेशनल 8, द ओपनिंग स्क्रीन अपीयर्स दैट इज इन फिगर 7.2, क्लिक ऑन द फ्लैश डॉक्यूमेंट अंडर क्रिएट न्यू, द फ्लैश विंडो अपीयर्स, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ विच आर गिवन बिलो। सो आपको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले स्टार्ट बटन के ऊपर जाओ। आपको पता है स्टार्ट बटन का है, आपने पेंट बहुत सारा बार ओपन किया आपको इसलिए पता है स्टार्ट बटन का है। स्टार्ट बटन के बाद में आपको प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स पे जाने के बाद आपको माइक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर दिखाई देगा। ओके फिनिश काले बागुल हो गया क्या? सो जो आपको उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन के ऊपर माइक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर डिस्प्ले होगा, अपीयर्स होगा, और उसके सारे कंपोनेंट्स जो आपको दिख रहे हैं आपके फिगर में 7.2 के अंदर। सो फ्लैश वर्कस्पेस, सो यहाँ पर फ्लैश का वर्कस्पेस है, देखिए हम लोग उसके कंपोनेंट्स को धीरे धीरे वन बाय वन। फर्स्ट है आपका फ्लैश वर्कस्पेस, सॉरी फ्लैश वर्कस्पेस में फर्स्ट है आपका द स्टेज। दिस इज अ रेक्टेंगुलर वर्कस्पेस आर वेयर वी प्लेस आवर कंटेंट और क्रिएट आवर ड्रॉइंग्स और मूवीज बाई डिफॉल्ट। द स्टेज साइज इन फ्लैश इज 550x400 pixels। सो ये जो रेक्टेंगुलर वाइट एरिया आपको फिगर 7.2 में दिख रहा है वो आपका वर्क स्पेस है। सो ये रेक्टेंगुलर वर्क स्पेस है, इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, आपके कंटेंट प्लेस कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ओके जैसे आपने पेंट में देखा था ना वाइट स्क्रीन थी टोटल, सो पेंट के अंदर भी आप लोग वो ड्राइंग एरिया के अंदर आप लोग ड्रॉ कर सकते थे, कलर फिल कर सकते थे। ओके उसी तरह से यहाँ पर भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो और आपके जो भी कंटेंट्स हैं उसको प्लेस कर सकते हैं, यानी कि रख सकते हैं उसके ऊपर। सो मोस्टली बाय डिफॉल्ट जो है, बाय डिफॉल्ट यानी कि पहले से जो सेट किए करके रखा गया है वो, सो बाय डिफॉल्ट उसका उसके जो क्लैरिटी है, फर्स्ट ये सब बोलने से पहले आपको पिक्सल पता है क्या? पिक्सल पता है क्या? पिक्सल पता है? कमॉन जल्दी से बोलो, टाइम वेस्ट मत करो, कमॉन। पिक्सल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिक्सल? ये सुना है क्या आपने, नाम तो सुना है कभी पिक्सल का? हाँ जूम, ओके रिलेटेड है बट नॉट द परफेक्ट आंसर, उसके रिलेटेड ही है। एनीवन एल्स? चलो अरे आंसर देने की कोशिश करो, कमॉन फास्ट, व्हाट इज पिक्सल?
फोटो निकाला हुआ और स्पेस एनिमल्स और ओके नाउ लेट इट बी पिक्सेल। जब भी आप लोग कोई वीडियो फोटो जब देखते हैं उसकी क्लैरिटी किसके ऊपर डिसाइड होती है पता है आपको? ये पिक्सल के ऊपर। पिक्सल इज नथिंग बट बहुत छोटे 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 डॉट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। ये सारे डॉट्स को मिलाकर ही आपका पिक्चर बनता है या वीडियो बनता है। सो जैसे इसने कहा है आप लोग जूम करोगे, बहुत ज़्यादा जूम करोगे तो फिर आपको वो पिक्चर ब्लर दिखता है, उसमें छोटे छोटे कुछ आपको डॉट्स दिखते हैं। सो उसको हम लोग पिक्सल कहते हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल रहेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी अच्छी आएगी, और जितने कम पिक्सल रहेंगे इतनी आपकी इमेज की क्लैरिटी खराब होगी। तो समझ में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिक्सल? हाँ, आपने सुना है ना HD, SD, HDTV, HDTV, ना अभी 4K आया है, सुना है ना? सो ये सारे पिक्सल के ऊपर डिपेंड्स है। सो ये क्लैरिटी के ऊपर डिपेंड है, ये आपकी पिक्सल आपकी क्लैरिटी डिसाइड करता है। सो यहाँ पर ये स्क्रीन के जो पिक्सल है यहाँ पर जो साइज है वो कितनी है? 550 by 400 पिक्सल्स। ओके, स्टेज समझ में आपको? अभी स्टेज क्या है? एक वर्किंग एरिया आप लोग जहाँ पर आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर मेन्यू बार। द मेन्यू बार कंटेन्स कंट्रोल्स फॉर कॉमन फंक्शंस एंड कमांड्स। जो भी मेन्यू बार है आपके फंक्शंस को और कमांड्स को कंट्रोल करता है। कहाँ पर दिया गया आपका मेन्यू बार देखो, कौन बताएगा कहाँ पर है मेन्यू बार? बताओ जल्दी से, वेयर इज द मेन्यू बार? फिगर के अंदर मेन्यू बार कहाँ पर है? एट द टॉप टाइटल के ऊपर आपको मेनू बार दिया गया है। टाइटल के ऊपर नहीं है, वो नीचे है उसके, आपको वहाँ पर नाम दिया गया है बट इसके नीचे आपको दिख रहा है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, मॉडिफाई, टेक्स्ट, कमांड्स, ये है आपके मेन्यूज। ओके, और ये मेन्यूज जहाँ पर भी प्लेस किए गए हैं उसको ही आप लोग मेनू बार कहते हैं। ओके, ठीक है। सो ये सारे मेन्यूज क्या करते हैं आपके फ्लैश प्लेयर को कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। फाइल को ओपन करना, फाइल मेनू में जैसे फाइल मेनू का अंदर आएगा, ओपन करना, क्लोज करना, सेव करना, प्रिंट करना, एग्जिट करना, उसके बाद एडिट में आएगा आपका कट, कॉपी, पेस्ट। सो हर मेनू के रिलेटेड फंक्शंस वो मेनू के अंदर है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर द टूल्स पैनल। इट कंटेन्स द सेट ऑफ टूल्स टू ड्रॉ, पेंट, सिलेक्ट एंड मॉडिफाई ऑब्जेक्ट्स इन द वर्क स्पेस। अभी टूल्स पैनल जो है वहाँ पर आपको ड्रॉ करने के लिए, पेंट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए ये आपको टूल्स पैनल में टूल्स दिए गए। आपको तो वो टूल्स को यूज करके आप लोग वर्क स्पेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हो, या फिर इसके अंदर कलर फिल कर सकते हो, या अदर मॉडिफिकेशन जो तो है वो कर सकते हो टूल्स का यूज करने के बाद। जैसे आपके पेंट में टूल थे ना टूल बार, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको टूल बार दिया गया है। दिख रहा है आपको टूल बार का है? टूल बार दिख रहा है क्या? मीनारे क्या? नेक्स्ट, नाउ टाइमलाइन। द टाइमलाइन इज ए फिक्स्ड विंडो स्पेस दैट स्टेज ऑन द टॉप ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट इन द वर्क स्पेस। दिस इज द एरिया वेयर ग्राफिक्स एंड एलिमेंट्स आर असेंबल्ड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, अलाउइंग द यूजर्स टू व्यू द ऑर्डर ऑफ द इवेंट एंड सीक्वेंस
अभी जो भी टाइमलाइन है वो टाइपलाइन क्या है, वो विंडोज़ के एक साइड में फिक्स्ड है टोटल। ओके, सो जो आप जो भी ड्रॉ करते हो उसके टॉप में आपको टाइप टाइमलाइन दिखाई देगी। आपने जो कुछ भी ग्राफिक्स एलिमेंट्स या फिर फॉर्मेटिंग आपने ऑब्जेक्ट को अप्लाई की गई है वो आपके पूरे टाइमलाइन के ऊपर दिखाई देगी। टाइमलाइन के ऊपर फॉर एग्जांपल आपने जो भी इफेक्ट दिया गया है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद में जो सीक्वेंशियल मैनर में जो कुछ भी इफेक्ट्स दिए हैं आपको टाइमलाइन के ऊपर दिखाई देगा। टाइमलाइन है आपके, दिख रहा है आपको टाइमलाइन कहाँ पर है फिगर में? देखो ये आपकी टाइमलाइन है, और जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे टाइमलाइन आगे आगे बढ़ते जाएगा। आपने जो कुछ भी इवेंट सेट की गई आपको वो टाइमलाइन के ऊपर दिखाई देगी। नाउ द प्रॉपर्टीज पैनल, द प्रॉपर्टीज पैनल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स यूज्ड फॉर चेंजिंग द सेटिंग्स लाइक द स्टेज साइज, द रूलर यूनिट, द बैकग्राउंड कलर ऑफ द स्टेज एंड फ्रेम रेट। इफ द प्रॉपर्टी पैनल इज नॉट विजिबल देन वी कैन सिलेक्ट द विंडोज प्रॉपर्टी ऑप्शन। अभी प्रॉपर्टी पैनल क्या है? प्रॉपर्टी पैनल जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर आप जाकर उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो प्रॉपर्टी पैनल्स में जाकर। जैसे आपको स्टेज की साइज कम है उसको बढ़ाना है, जो रेक्टेंगुलर वाइट एरिया आपको दिख रहा है स्टेज उसकी साइज कम है और आपको अगर उसको बढ़ाना है तो आप लोग प्रॉपर्टी पैनल में जाकर उसकी साइज चेंज करा सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको रूलर की यूनिट बढ़ाना है, रूलर वहाँ पर छोटी आपको बड़ी करना है या फिर और छोटी करना है तो वहाँ पर भी आप लोग प्रॉपर्टी पैनल में जाकर उसमें चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद बैकग्राउंड कलर, जो भी स्टेज है आपका, जो वाइट रेक्टेंगुलर एरिया दिख रहा है जो स्टेज, उसको उसका भी कलर अगर आपको चेंज कराना है तब भी आप लोग उसका कलर चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर जो व्हाइट है, व्हाइट के अलावा दूसरा कोई कलर सेट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, दैट इज योर फ्रेम स्टेज एंड फ्रेम रेट भी आप लोग वहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपका प्रॉपर्टी पैनल विजिबल नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन के ऊपर, तो आपको उसको कहाँ से लेकर आना है? विंडोज प्रॉपर्टी पैनल्स में आपको आप लोग सिलेक्ट करोगे तब आपको प्रॉपर्टी पैनल डिस्प्ले होगा। यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर विजिबल नहीं है। यहाँ पर तीन टैब्स दिए गए, फिल्टर, पैरामीटर्स और प्रॉपर्टीज। तो इसमें अगर आपको प्रॉपर्टी पैनल डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग को डिस्प्ले हो जाएगा। देखो वहाँ पर पिक्सल भी दिए गए हैं और पब्लिश के बाद सामने आपको सेटिंग का टैब्स भी है। बैकग्राउंड यहाँ पर कलर भी दिया गया आपको चेंजेस करने के लिए, उसके अलावा फ्रेम रेट भी दिया गया है और सेटिंग्स भी दी गई। ओके, सो यहाँ तक हम लोग रुकते हैं आज के लिए, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।